गाइस, शादी से एक रात पहले इसे लगा लो, आपके मेकअप की चमक 10 गुना बढ़ जाएगी, आपकी स्किन इतनी फ्लॉलेस हो जाएगी कि आप देखते रह जाएंगे, सब आपके सुंदरता का राज पूछने लगेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आपके फेस पर पिंपल, एक्ने, मार्क्स, छाइयां, ये सारी प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन है, स्किन बिल्कुल झुलस चुकी है, तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। तो वेट किस चीज़ का यार, वीडियो के एंड तक बने रहो। जैसे जैसे इस्तेमाल करूँगी वैसे वैसे आपको भी करना है आज बढ़िया सा फेशियल। गाइस, समर्स में बेस्ट फेशियल हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी सारी पिगमेंटेशन हट जाए, हमारी सारी स्किन प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं। सबसे कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं क्या, हमारे फेस पे बहुत ज्यादा टैनिंग हो जाती है, पिंपल्स आने लगते हैं, एक्ने बढ़ जाता है और पसीना बहुत ज्यादा आता है, साथ ही साथ रैशेज होने लगते हैं और इसके साथ एजिंग की प्रॉब्लम भी बढ़ने लगी है। ये सारी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपको भी ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो आज का मेरा ये फेशियल आप कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि इसका रिजल्ट इतना ही बेहतरीन होगा कि नेक्स्ट टाइम आप इसको खुद से कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ इजी स्टेप्स बताने वाली हूँ घरेलू नुस्खों के साथ, बस आपको किचन में जाना है, कुछ बेसिक चीजें उठानी है जिसमें ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे और इसका रिजल्ट बहुत लंबे समय तक बना रहेगा। तो चलिए पहले बात आती है क्लिंजिंग की। फेशियल का फर्स्ट स्टेप होता है क्लिंजिंग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारे डस्ट होती है फेस में, इम्प्योरिटीज होती है, वो रिमूव हो जाती है। तो जिसके लिए हमें लेना है 1 चम्मच कच्चा दूध, थोड़ा सा लेमन, इस तरीके से आप ऐड कर लीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसको मिक्स अच्छे से करना है क्योंकि जब तक ये फटेगा नहीं तब तक ये असर नहीं दिखाएगा आपकी स्किन पर। इसमें मैंने कच्चा दूध इसलिए ऐड करा है क्योंकि कच्चा दूध हमारे स्किन के कलर को इन्हांस करता है, लाइटन करता है, ब्राइटन करता है, हमारे पोर्स में जो गंदगी फंसी होती है उसको बाहर निकालता है। लेमन मैंने इसलिए डाला है साथ में क्योंकि लेमन नेचुरल ब्लीचिंग का काम करता है, आपकी एक्ने पिंपल से फाइट करता है और आपके पोर्स को क्लीन करता है, तो फ्यूचर में आपकी जितनी भी इंप्योरिटीज हैं आपके फेस में वो निकल कर बाहर आ जाती हैं और साथ में आपकी स्किन को नेचुरल ब्लीच करने का भी काम करता है। तो इन दोनों को मिक्स करके अब जैसे मैं आपको करके दिखाऊंगी, सेम आपको उसी तरीके से अपने फेस पे मसाज करनी है 2 से 3 मिनट के लिए। तो चलिए मसाज करते हैं। तो इस तरीके से आप मसाज कर लीजिए, हल्के हल्के हाथों से आपको मसाज करनी है 2 से 3 मिनट। उसके बाद नॉर्मल पानी से धो लेना है। अब बारी आती है सेकंड स्टेप की। फ्रेंड्स, इसमें हम लेंगे चावल का आटा 1 चम्मच। चावल का आटा क्या करता है, आपकी स्किन के कलर को लाइटन करता है, ब्राइटन करता है, आपकी स्किन को फर्म करता है, यानी अगर आपकी स्किन लटक गई है या झुरी आ चुकी हैं आंखों के पास, फिर आपकी फेस के पास, लिप्स के पास, तो उनको रिमूव करता है। साथ ही साथ बहुत लोगों की लिप एरिया अलग से डार्क होता है, तो अगर हम फाउंडेशन भी अप्लाई करते हैं तो वो भी हमारा अलग से दिख रहा होता है कालापन, तो इसको ये रिमूव करेगा, मतलब आपकी सारी स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करके लाइटन करने का काम करता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है चावल का आटा, आपकी स्किन पे चमक लाएगा, बेदाग बनाएगा। साथ में अब इसमें ऐड 1 चम्मच आलू का जूस। फ्रेंड्स, आप इतने साइज का आलू ले लीजिए, जिसको मैंने छील लिया है, वॉश कर लिया है, इतना इनफ है। फ्रेंड्स, अब हम छन्नी की मदद से इसका जूस निकाल लेंगे उस राइस वाले में, बाउल में, जहां पे हमने राइस का आटा लिया था। फ्रेंड्स, इसमें हम डाल लेंगे 1 चम्मच रोज वाटर। ज़्यादा पतला हमें इसको नहीं बनाना, जितना मैं कंसिस्टेंसी बता रही हूँ। इसको हमें थिक पेस्ट में रखना है क्योंकि ये हमारा स्क्रब है, ज़्यादा इसको पतला नहीं बनाना। अच्छे से मिक्स कर लिया है इसको, अब इसको हम लगा लेते हैं। लगाने से पहले आप अपने फेस को हल्का सा गीला करके रखिए जिससे कि स्क्रब अच्छे से हो पाता है। चावल का आटा भी कलर को इन्हांस करता है, इसके साथ पोटैटो जूस उसमें ऐड जो किया है वो आपके ब्लेमिशेस, आपके एक्ने पिंपल को रिड्यूस करता है, आपकी पिगमेंटेशन को हटाता है, तो ये बहुत ही बेहतरीन स्क्रब है। जब भी आपको घर पे स्क्रब करना हो दोनों चीज़ों को मिक्स करें और इस स्क्रब को यूज़ करें। तो अब देखिए जैसे मैं आपको यूज़ करके दिखा रही हूँ, फिंगर टिप्स पे आप ले लीजिए और हल्के हल्के हाथों से स्क्रब करिए। ज़्यादा देर तक आपको स्क्रब नहीं करना, कपड़ों की तरह आपको रगड़ना नहीं है अपने फेस को, बहुत जेंटली आपको मसाज करना है। 2 से 3 मिनट इनफ है, इससे ज़्यादा मत करिए। इससे क्या होगा, जितने भी आपके ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, वो भी रिमूव हो जाएंगे। आपको स्पेशली कोई नोज पिन यूज़ करने की, जैसे हम ब्लैक हेड पिन आती है उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, या कोई भी आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। जितने भी ज़्यादा आपके ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, वो भी रिमूव हो जाएंगे। तो चलिए, इस तरह का स्क्रब अब हो गया है, अब हम ठंडे पानी से मुँह धो लेंगे। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड स्टेप की ओर। Thank you.
गाइस फेशियल में स्टीम लेना बेहद जरूरी होता है क्योंकि उससे हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं। तो स्क्रब के बाद बारी आती है स्टीमर की। स्टीमर अगर आपके पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, तो मैं यूज कर रही हूँ हैंकी। हैंकी को मैंने पानी में डिप कर लिया है, गर्म पानी में, लुक वार्म वाटर में, और अपने फेस पे इस तरीके से रख दीजिए 2 से 4 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, स्टीम हमारे फेस में जाएगी, हमारे पोर्स अच्छे से ओपन हो जाएंगे, जितनी भी डस्ट इम्प्योरिटीज है वो निकलेंगी, और साथ में जो भी हम अपना नुस्खा अपने फेस पे अप्लाई करने वाले हैं पैक वगैरह, वो अच्छे से रिजल्ट मिलेगा उसका, आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो आप इस तरीके से स्टीम दे चुके हैं अपने फेस को। अब बारी आती है हमारे लास्ट स्टेप की, जिसमें हम यूज करेंगे पैक। पैक को कैसे बनाना है चलिए जान लेते हैं। फ्रेंड्स, अब बारी आती है नेक्स्ट स्टेप की, जिसमें हम बनाएंगे मसाज क्रीम। तो मसाज क्रीम के लिए आपको क्या चाहिए फ्रेंड्स, आपको लेना है 1 चम्मच दही। दही जो है पूरा खट्टा हो चुका है, घर का दही है, बाहर का मत यूज करेगा, क्योंकि खट्टा दही जल्दी से हमारे फेस की सारी डस्ट इम्प्योरिटीज को निकालता है, इसमें लैक्टिक एसिड होता है, हमारे कलर को इनहांस करता है, बैक्टीरिया को फाइट करता है, एजिंग से लड़ता है, आपकी स्किन में एक अलग सी जान ले आता है, चमक ले आता है, जो आप लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं कि मेरी स्किन डल होती जा रही है। ये फेशियल टीनएजर गर्ल्स भी कर सकती हैं, अगर आप 25 साल की हो चुकी हैं तो भी कर सकती हैं, क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, इससे कोई आपका फेस लटकेगा नहीं बल्कि आपकी स्किन फर्म होगी। फ्रेंड्स, आप टमाटो ले लीजिए इस तरह का, आप टमाटो कट कर लीजिए और इसका जूस हम ले लेंगे। टमाटो आपके स्किन के कलर को इनहांस करता है, लाइटन करता है, पिगमेंटेशन को दूर हटाता है, तो ये वाली हमारी मसाज क्रीम बहुत इफेक्टिव है। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो इन दोनों इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लिए, तो ये हमारी रेडी है मसाज क्रीम। तो अब इसको हम अप्लाई करेंगे। गाइज, मसाज क्रीम जो पार्लर्स में करते हैं वो सिर्फ टेम्परेरी ग्लो देती है, एक बात का ध्यान रखेगा हमेशा, लेकिन ये वाली मसाज क्रीम अगर आप स्कूल से आई हैं, स्कूल गोइंग हैं, या आपके छोटे बच्चा भी है 3-4 साल का, तो पूरी बॉडी पे आप उसको ये वाली मसाज क्रीम भी रब करेंगे, तो उनकी नेचुरली बच्चों की स्किन शाइनी बनेगी, स्मूथ बनेगी, आपकी स्किन एक सफल बनेगी, उससे सारी स्किन प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप फिंगर टिप्स पे लीजिए और हल्के हल्के हाथों से स्क्रब करिए। हल्के हल्के हाथों से अपने फेस से मसाज करिए सर्कुलर मोशन में। थोड़ा सा फेशियल स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, इससे क्या होगा, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, हमारा स्किन के कलर नेचुरल इनहांस होता है, हमारे फेस पे ग्लो आता है, सारी पिगमेंटेशन दूर होती है। तो 10 से 15 मिनट कम से कम आप मसाज करिए बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर आपके घर पर कोई है तो आप उनकी हेल्प भी ले सकते हैं, वो आपको मसाज करेंगे तो उतना ही कलर आपका लाइटन और ब्राइटन होगा। गाइस, बहुत अमेजिंग मसाज क्रीम है ये। फ्रेंड्स, अब बारी आती है हमारे लास्ट स्टेप की, जिसका नाम है पैक। फ्रेंड्स, अब बारी आती है पैक बनाने की लास्ट स्टेप की, जिसके लिए हमें लेना है एक बाउल। बाउल में हम डालेंगे 1 चम्मच बेसन। फ्रेंड्स, इसको मैंने छिल लिया है, छिलने के बाद इसको हम 2 पीसेस में कट कर लेंगे और इसको अब हम कद्दूकस कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसमें हम पोटैटो जूस अब मिला लेंगे। फ्रेंड्स, इसमें हम यूज़ करेंगे फ्रेश एलोवेरा जेल, तो मैंने प्लांट का यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे मार्केट का इतना ट्रस्टेबल नहीं लगता। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं तो आप वही यूज़ कर लीजिए, क्योंकि फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते ना, बिकॉज इस रेमेडी को, इस पैक को मैं बनाने के लिए 3 इंग्रेडिएंट्स की ही ज़रूरत है। फ्रेंड्स, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन आपकी सारी डस्ट इम्प्योरिटीज़ को निकालता है, आपके पोर्स को क्लीन करता है, आपके स्किन कलर को इन्हांस करता है। एलोवेरा जेल जो मैंने इसमें ऐड किया है, आपके स्किन को स्मूथ और सफल बनाता है, पिंपल एक्ने को ख़त्म करता है, एक अलग सा मॉइस्चर। पोटैटो जूस आपको पता ही है उसके बेनिफिट्स कितने सारे होते हैं। पोटैटो जूस आपके स्किन के कलर को इन्हांस करता है, लाइटन ब्राइटन करता है, नेचुरल ब्लीच का काम करता है, और साथ ही साथ आपके अगर पिंपल एक्ने हो गए हैं, डार्क सर्कल हो गए, तो उसको भी ये रिड्यूस करता है। फ्रेंड्स, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब मैं इसको आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो गाइज, ये था मेरा आज का फेशियल इजी से स्टेप्स, जो बहुत इजी हैं, बहुत इफेक्टिव हैं। प्लीज ये एक एक स्टेप आपको फॉलो करना है, बिकॉज फेशियल स्टेप है। हाँ, लेकिन अगर आप टीनेजर गर्ल हैं और आपके पास टाइम नहीं, तो आप मंथ में इसको एक बार कर सकती हैं, नहीं तो आपको वीक में एक बार तो इसको करना ही चाहिए। और साथ साथ जो आपको मैंने मसाज क्रीम बताई है वो बहुत ही इफेक्टिव है, आप अपने बच्चों के इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आप स्कूल से आई हैं, अपनी स्किन को इन्हांस करना चाहती हैं, कलर को ब्राइटन करना चाहती हैं, तो आप उस मसाज क्रीम को ही खाली इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आज का मेरा ये फेशियल स्टेप्स और फेशियल आपको कितना अच्छा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कर देना और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपके ऐसे ही प्यार का इंतजार करूंगी। कमेंट के थ्रू आपके कोई भी सवाल होते हैं आप पूछ सकते हैं, और होम रेमेडीज हेयर टिप्स देखने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलती हूँ कुछ नई रेमेडीज के साथ। गुड लक।